राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करौली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करौली जी की कृपा होगी। दोस्तों, आपके परिवार में भी सभी कुशल मंगल रहे, यही मैं बाबा नीम करौली जी से, हनुमान जी से और सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूँ, यही कामना है मेरी। तो दोस्तों, आज मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड का 50वां सर्ग सुनाऊँगा। इसे सुने और श्री राम जी की ये माँ कथा है, इसे सुनकर इसका धर्म लाभ उठाएं। तो शुरू करते हैं। श्री राम आदि का मिथिला गमन, राजा जनक द्वारा विश्वामित्र जी का सत्कार तथा उनका श्री राम और लक्ष्मण के विषय में जिज्ञासा करना एवं परिचय पाना। तदनंतर लक्ष्मण सहित श्री राम विश्वामित्र जी को आगे करके महर्षि गौतम के आश्रम से ईशान कोणीन की ओर चले और मिथिला नरेश के यज्ञ मंडप में जा पहुँचे। वहाँ लक्ष्मण सहित श्री राम ने मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र से कहा, महाभाग, महात्मा जनक के यज्ञ का समारोह तो बड़ा ही सुंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ नाना देशों के निवासी सैकड़ों ब्राह्मण जुटे हैं जो वेदों के स्वाध्याय से शोभा पा रहे हैं। ऋषियों के बड़े सैकड़ों छकड़ों से भरे दिखाई दे रहे हैं। ब्रह्मांड, अब ऐसा कोई स्थान निश्चित कीजिए जहाँ हम लोग भी ठहर सकें। श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर महामुनि विश्वामित्र ने एकांत स्थान में डेरा डाला जहाँ पानी की भी व्यवस्था थी। अनिंद उत्तम विचार आचार वाले नृपश्रेष्ठ महाराज जनक ने जब यह सुना कि विश्वामित्र जी पधारे हैं, तब वे तुरंत अपने पुरोहित सतानंद को आगे करके अर्ध लिए विनीत भाव से उनका स्वागत करने को चल दिए। उनके साथ अर्ध लिए महात्मा ऋत्विज भी शीघ्रतापूर्वक चले। राजा ने विनीत भाव से सहसा आगे बढ़कर महर्षि की अगवानी की तथा धर्मशास्त्र के अनुसार विश्वामित्र जी को धर्मयुक्त अर्ध समर्पित किया। महात्मा राजा जनक की वह पूजा ग्रहण करके मुनि ने उनका कुशल समाचार पूछा तथा उनके यज्ञ की निर्बाध स्थिति के विषय में जिज्ञासा की। राजा के साथ जो मुनि उपाध्याय और पुरोहित आए थे, उनसे भी कुशल मंगल पूछकर विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ उन सभी महर्षियों से यथा योग्य मिले। इसके बाद राजा जनक ने मुनीश्वर विश्वामित्र से हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आप इन मुनीश्वरों के साथ आसन पर विराजमान होइए। यह बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र जी आसन पर बैठ गए। फिर पुरोहित ऋत्विज तथा मंत्रियों सहित राजा भी सब और यथा योग्य आसनों पर विराजमान हो गए। तत्पश्चात राजा जनक ने विश्वामित्र जी की ओर देखकर कहा, भगवान, आज देवताओं ने मेरे यज्ञ की आयोजन को सफल कर दिया है। आज पूज्य चरणों के दर्शन से मैंने यज्ञ का फल पा लिया। ब्रह्मान, आप मुनियों में श्रेष्ठ हैं। आपने इतने महर्षियों के साथ मेरे यज्ञ मंडप में पदार्पण किया, इससे मैं धन्य हो गया हूँ। यह मेरे ऊपर आपका बहुत बड़ा अनुग्रह है। ब्रह्मऋषि मनीषी ऋत्विजों का कहना है कि मेरी यज्ञ दीक्षा के 12 दिन शेष रह गए हैं, अतः कुशी नंदन 12 दिनों के लिए आप यहाँ भाग ग्रहण करने के लिए आए हुए देवताओं का दर्शन कीजिएगा। मुनीश्वर विश्वामित्र जी से ऐसा कहकर उस समय प्रसन्न मुख हुए जितेंद्रिय राजा जनक ने पुनः उनसे हाथ जोड़कर पूछा, महामुनि, आपका कल्याण हो। देवताओं के समान पराक्रमी और सुंदर आयुध धारण करने वाले ये दोनों वीर राजकुमार जो हाथी के समान मंद गति से चलते हैं, सिंह और सांड के समान जान पड़ते हैं, प्रफुल्ल कमल दल के समान सुशोभित है, तलवार तरकस और धनुष धारण किए हुए हैं। आप अपने मनोहर रूप से अश्विनी कुमारों को भी लज्जित कर रहे हैं, जिन्होंने अभी अभी यौवनावस्था में प्रवेश किया है तथा जो स्वेच्छानुसार
देवलोक से उतरकर पृथ्वी पर आए हुए दो देवताओं के समान जान पड़ते हैं। किसके पुत्र हैं ये दोनों वीर और यहाँ कैसे, किस लिए अथवा किस उद्देश्य से पैदल ही पधारे हैं? जैसे चंद्रमा और सूर्य आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार ये अपनी उपस्थिति से इस देश को विभूषित कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। इनके शरीर की ऊंचाई, संकेत और चेष्टाएं प्राय एक सी है। मैं इन दोनों का पक्षधारी वीरों का परिचय एवं वृतांत यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। महात्मा जनक का यह प्रश्न सुनकर अमित आत्मबल से संपन्न विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं। इनके बाद उन्होंने उन दोनों सिद्धाश्रम में निवास राक्षसों के वध तथा बिना किसी घबराहट के मिथिला तक आगमन, विशालापुरी के दर्शन, अहिल्या के साक्षात्कार तथा महर्षि गौतम के साथ समागम आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। फिर अंत में यह भी बताया कि ये आपके यहाँ रखे हुए मान धनुष के संबंध में कुछ जानने की इच्छा से यहाँ तक आए हैं। महात्मा राजा जनक से ये सब बातें निवेदन करके माँ तेजस्वी महामुनि विश्वामित्र जी चुप हो गई। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 50वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय हनुमान बजरंगबली, जय बाबा नीम करौली महाराज की। ओम श्री सर्वदेवाय नमः। तो दोस्तों, ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का 50वां सर्ग पूरा हुआ। कल मैं आपको इसका 51वां सर्ग सुनाऊंगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए, कल फिर मैं आपको इसका अगला भाग सुनाऊंगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि ये रामायण की महिमा के पूरी जितने भी सर्ग हैं मैं आपको सारे इस चैनल पर रोज़ सुनाता रहूँगा, जब तक प्रभु राम जी की, बाबा नीम करौली जी की और हनुमान जी की इच्छा होगी। उनकी इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो अब आज्ञा लेता हूँ दोस्तों। राम राम, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करौली महाराज जी की।